हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, आजकल का जो घटनाक्रम है, लास्ट आप कह सकते हैं कि 18 से 20 दिन से जो घटनाएं हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रही हैं कि ये विश्व जो है, ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं वर्ल्ड वार 3 की तरफ, यानी तृतीय विश्वयुद्ध की तरफ अपने आप को ले जा रहा है। देखिए, हालांकि समय बताएगा कि ये कितना सच होगा या कितना नहीं, बट कहीं ना कहीं दबे कदमों से ये आहट सबको महसूस हो रही है कि ये जो युद्ध है, ये कहीं ना कहीं तृतीय विश्वयुद्ध की तरफ मोड़ ले रहा है। देखिए, यहाँ पर एक अकेले अभी तक बात रशिया और यूक्रेन की चल रही थी, जहाँ पर नाटो, यूएस, पूरा विश्व, यूएनएससी सब लगे हुए थे, लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे ये घटनाक्रम अकेला यहीं नहीं रुका। देखिए, 3 दिन पहली बात है, इंडिया की एक मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, पाकिस्तान में जा गिरी। फिर पाकिस्तान ने बाद में बोला कि भाई ये जो है गलती एक्सीडेंटली वहाँ पे गई है, मिसफायर हुई है। उसके बाद में चाइना और ताइवान के ऊपर चाइना का जो है एक तरह से पेट्रोलिंग देखी गई एयरक्राफ्ट के थ्रू। और अभी जो लेटेस्ट ये आज की न्यूज़ है, ईरान फायर्स मिसाइल एट इरबिल US कंसुलेट। देखिए, इरबिल जो है वो इराक का इलाका है, जी हाँ, वहाँ पे US कंसुलेट है, दूतावास है, वहाँ पर काफ़ी कह सकते हैं कि 12 मिसाइलें बोला जा रहा है कि वहाँ पर दागी गई हैं। और देखिए, कहा यह भी जा रहा है कि सीक्रेट इसराइली बेसिस टारगेटेड, कि वहाँ पे ही इरबिल में जो इसराइल है, उसका जो कह सकते हैं आप इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, वहाँ पर उनके भी क्या सीक्रेट बेसिस थे, उनको भी टारगेट किया गया। तो देखिए, USA, ईरान, इसराइल, और देखिए ये भी सुनने में आ रहा है कि जैसे ही ये मिसाइल USA की तरफ दाबी गई इराक में, तो US ने भी अपने प्लेन्स को काउंटर अटैक के लिए निकाल दिया है। तो देखिए, ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पूरा विश्व क्या है, दो धड़े में बंटता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी जो सीधी सीधी कह सकते हैं आप विश्व युद्ध जैसी घटनाएं आपके सामने होती रहेंगी। तो देखिए, इस वीडियो में हम इन सब छोटे छोटे पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि क्या ये जो युद्ध है कहीं रुकने का नाम लेगा, या एक लंबी कह सकते हैं एक लिस्ट के साथ यही विश्व युद्ध होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, ये है वो इरबिल की वहाँ पे जहाँ पे ये मिसाइल दागी गई थी। तो देखिए, सबसे पहला तो क्वेश्चन ये बनता है, ये जो अगर वर्ल्ड का मैप है आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये ईरान है और ये इराक है। तो ईरान और इराक, अब मैं इसको बिल्कुल आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए, ये है ईरान और यहाँ पे जो इरबिल घटना ये है, ये इरबिल है, यहाँ पे यहाँ से क्या है मिसाइल दागी गई हैं। तो एज़ मैनी एज 12 मिसाइल्स वर फायर्ड संडे टूवार्ड द US कंसुलेट इन इराक्स नॉर्दर्न सिटी ऑफ इरबिल विद सेवरल मिसाइल्स हिटिंग द बिल्डिंग इराकी एंड US सिक्योरिटी ऑफिसल्स। तो देखिए, आप कह सकते हैं कि इरबिल में जो 12 मिसाइल दागी गई, उनका कहीं ना कहीं US कंसुलेट है उसके आसपास ये हिट की हैं। तो इरबिल जो है कैपिटल सिटी है कुर्दिस्तान रीजन ऑफ इराक, इराक का जो कुर्दिस्तान रीजन है, जो ऑटोनोमस है, उसकी कैपिटल सिटी है इरबिल। ईरानियन स्टेट मीडिया एजेंसी इरना, या जो इनकी न्यूज एजेंसी है ईरान की, साइटिंग लोकल रिपोर्ट्स क्लेम्ड विदाउट एविडेंस, देखिए इसका कोई सबूत नहीं है, बट वो क्लेम कर दैट सीक्रेट इसराइली बेसिस वर टारगेटेड इन द अटैक, कि वहाँ पर जो इसराइल के सीक्रेट बेसिस थे उनको टारगेट किया गया है। ए US ऑफिशियल सेड द मिसाइल वर लॉन्च्ड फ्रॉम नेबरिंग ईरान, कि एक US ऑफिशियल ने कहा कि ये जो मिसाइल हैं ये ईरान से दागी गई हैं। तो देखिए, ये जो आप अभी घटनाक्रम देख रहे थे रूस और यूक्रेन का, जिसमें आप सभी को पता है कि रशिया की पर सैंक्शंस लगाई जा रही थी, अमेरिका पहले काफ़ी दिन से जो है ईरान पर सैंक्शंस लगाए हुए थे, ईरान और US की जो न्यूक्लियर डील हुई थी, यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही थी जो काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात पैदा कर रही थी। तो देखिए, कुछ न्यूज़ की जो कटिंग है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इज़ द वर्ल्ड हेडिंग फॉर वर्ल्ड वार 3, बिडेन मूव्स 12,000 US ट्रूप्स अलोंग बॉर्डर्स विद रशिया। देखिए, रशिया के बॉर्डर के चारों तरफ कह सकते हैं कि जो बाइडन ने 12,000 US का ट्रूप वहाँ पर सेना भेजी है। हाउ रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन इज शेपिंग चाइनाज प्लान फॉर ताइवान। देखिए, जैसे अगर रशिया इन्वेट कर रहा है यूक्रेन को, तो देखिए वो कहीं ना कहीं चाइना को भी क्या है मौका दे रहा है कि आप ताइवान के साथ ये सब चीज़ें करो।
आप देखिए, यूक्रेन जंग के बीच चीनी लड़ाकू विमान ने की घुसपैठ, गुस्साए ताइवान ने तैनात की मिसाइलें। तो देखिए, ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं आप देखिए, इंडिया की बात करते हैं पाकिस्तान, तो मिसाइल एक्सीडेंटली फायर्ड ड्यूरिंग इंस्पेक्शन एट सीक्रेट IF बेस पाकिस्तान डिडंट ट्रैक। तो देखिए, भारत ने बोला कि भाई, सबसे पहले तो क्या पाकिस्तान की तरफ से न्यूज़ आती है कि भारत की तरफ से कोई सुपरसोनिक या कुछ ऐसी उड़ती हुई चीज़ हमारी तरफ आके गिरी है। फिर उसके बाद में भारत की तरफ से आया कि भाई हाँ, ये हमारा सीक्रेट बेस था, एक मिसाइल वहाँ पर गई है, इंस्पेक्शन के दौरान एक्सीडेंटली फायर हो गई है। अब पाकिस्तान इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान सीक्स जॉइंट प्रोव इनटू इंडियाज एक्सीडेंटल फायरिंग ऑफ मिसाइल इन इट्स टेरिटरी। तो देखिए, पाकिस्तान क्या कह रहा है कि भाई, इसकी जो है, भारत ने ऑलरेडी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऑर्डर कर दी है, तो पाकिस्तान चाहता है कि इसमें हमारा भी रोल हो, हम भी उस इंक्वायरी में शामिल हों, क्योंकि ये मिसाइल जो है, मिसाइल आपकी हमारी टेरिटरी में आके गिरी, हालांकि इंडिया ने इसके लिए मना कर दिया है। तो देखिए, ये सब चीज़ें जो हैं वर्ल्ड को दो धड़े में बंटता हुआ दिखाई दे रही हैं, यानी जहां जिसके अपने अपने छोटे मोटे भी कह सकते हैं टेंशंस थे, वो अभी ज़्यादा उभर कर सामने आ रहे हैं। ऑफिशियल्स हैव गेव डिफरेंट अकाउंट्स ऑफ डैमेज। ए US ऑफिशियल सेड मिसाइल हिट द कॉन्सुलेट। एक जो US ऑफिशियल था, उसने कहा कि भाई हाँ, जो दूतावास हमारा, वहाँ पे मिसाइल ने हिट किया है। लेकिन एक सेकेंड ऑफिशियल अमेरिका, उसने कहा है कि देयर वॉज नो डैमेज एंड नो कैजुअल्टीज एट एनी US गवर्नमेंट फैसिलिटी। यानी US के किसी भी बिल्डिंग या फैसिलिटी पर कोई डैमेज, कोई कैजुअल्टी नहीं है। इराकी अथॉरिटीज सेड सेवरल मिसाइल्स हैड हिट द US कॉन्सुलेट। जो इराकी अथॉरिटीज़ हैं, इराक वाले हैं, वहाँ पे बोल रहे हैं कि सेवरल मिसाइल्स हिट US कंसुलेट को हिट किया है। द कंसुलेट बिल्डिंग इज़ न्यू एंड करंटली अनऑक्यूपाइड। हालांकि जो कंसुलेट की बिल्डिंग है वो नई है और अभी वहाँ पर अनऑक्यूपाइड, यानी किसी कोई उसमें रह नहीं रहा है। उस एरिया के गवर्नर जो हैं, वो कहते हैं इट वॉज नॉट क्लियर वेदर द इंटेंडेड टारगेट वॉज टू द US कंसुलेट और द एयरपोर्ट। अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि भाई ये US कंसुलेट को निशाना बनाया गया था या जो एयरपोर्ट है इरबिल का, उसको निशाया बनाया गया था। वेयर देर इज़ ए बेस फॉर US लेड कोएलिशन फाइटिंग द इस्लामिक स्टेट ग्रुप। तो देखिए, जो एयरपोर्ट है वहाँ का, वहाँ पे US लेड कोएलिशन है, ग्रुप बना हुआ है, जो इस्लामिक स्टेट ISIS को लड़ने के लिए वहाँ पर उन्होंने ग्रुप बना रखा है। देखिए, एयरपोर्ट की तरफ से भी ये आया कि भाई कुछ भी डैमेज नहीं हुआ है, कोई फ्लाइट हमारा जो है डिस्टर्बड नहीं हुई है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं देखी गई है। द अटैक कम्स सेवरल डेज आफ्टर सीरियन स्टेट मीडिया रिपोर्टेड एन इजराइली स्ट्राइक नियर डमास्कस सीरिया। देखिए, अगर आप देखेंगे तो कुछ दिन पहले की बात है, सीरिया में भी सीरिया के लोगों ने, जो रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने बोला कि ईरान की जो मिसाइल है हमारे पास, हमारी तरफ आई, इजराइल की मिसाइल हमारी तरफ आई थी। द रिपोर्ट सेड द एयर स्ट्राइक किल्ड टू मेम्बर्स ऑफ ईरान्स रेवोल्यूटरी गार्ड। ईरान्स फॉरेन मिनिस्ट्री स्ट्रॉन्गली कंडेम द अटैक वेडनेसडे एंड वोट रिवेंज। और बदले की उन्होंने बात कही थी। तो देखिए, यहाँ से लिंक लगाया जा रहा है, तो अब ईरान ने जो है इरबिल पे जो अटैक किया, उसमें कहीं ना कहीं वहाँ मोसाद का, उनका कोई इस टाइप का प्लानिंग था। ऑन संडे ईरान्स स्टेट इन द न्यूज एजेंसी टोटेड इराकी मीडिया एक्नोलिज्ड द अटैक्स इन इरबिल सेइंग विद वेयर दे ओरिजिनेटेड। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई वो कहाँ से हुए, बट उसके बारे में उन्होंने वहाँ पे लिखा। US इंटरेस्ट एंड कोएलिशन ट्रूप्स इन इराक हैव रेगुलरली बीन टारगेटेड इन रॉकेट्स एंड आर्म ड्रोन अटैक्स। देखिए, जनवरी में जो बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, उस पर 6 रॉकेट फायर किए गए थे, जिसमें कोई भी कैजुअल्टी नहीं थी। तो देखिए, हालांकि ये सब चीज़ें हो क्यों रही हैं, इराक साए सर्च इन दीज सॉर्ट ऑफ अटैक्स एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर एज ईरान एंड इट्स एलाइड कैमोरेटेड द सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ डेथ ऑफ ईरानियन जनरल, जो ईरान के जनरल थे कासिम सुलेमानी एंड हिज इराकी लेफ्टिनेंट अबू मेहंदी। उनको क्या है, अमेरिकन ड्रोन ने फायरिंग के दौरान जनवरी 2020 में इराक में मार दिया था, तो उसकी जो है सेकंड एनिवर्सरी कह सकते हैं, डेथ एनिवर्सरी वो मनाई जा रही थी वहाँ पर, और उसी के उसमें उन्होंने ये रॉकेट्स वगैरह जो हैं फायर किए थे। तो देखिए, ये घटनाएं हैं जहां पे आप देखेंगे कि विश्व की एक नहीं, बहुत बड़ी बड़ी पावर्स और सारी की सारी जो न्यूक्लियर पावर्स हैं, आपको पता होगा कि यूक्रेन में बोला जा रहा है कि भाई अमेरिका जो है बायोलॉजिकल वेपन्स बना रहा था, उसके लिए UNSC की बैठक हुई, और उसके बाद आपने देखा कि अमेरिका ने भी कहीं ना कहीं ये बोल दिया कि रशिया क्या है, बायोलॉजिकल वेपन के नाम से बोल के कुछ ऐसा करने वाला है, यानी कुछ जैविक हथियारों का इस्तेमाल करने वाला है, और ये कहीं ना कहीं
अगर ऐसा होता है तो विश्व युद्ध त्रिक जो है उसकी शुरुआत मानी जा सकती है। देखिए क्या होगा, हालांकि अभी अमेरिका ने ये बोला है कि अभी हम डायरेक्ट यूक्रेन वाले कॉन्सेप्ट में नहीं आएंगे, और अगर अमेरिका ने यह भी कहा कि अगर हम इस युद्ध में शामिल होते हैं तो आप उसको वर्ल्ड वार थ्री की शुरुआत मान सकते हैं। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा नाजुक घड़ी है, और ये पूरा विश्व आप देख रहे हैं एक आग के गोले पर खड़ा हुआ है। देखिए समय बताएगा क्या होगा। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।